दोनों चंगली टीम का बहुत खतरनाक बल्लेबाज लू भटाल के गुया हमन के नहीं छटा हमन के जे छट बत तो ही इनके घटा है लू भटाल के गुया हमन के नहीं छटा हमन के जे छट बत तो ही इनके घटा गुया बॉल गिरेगा तो उनको थोड़ा उठा के लाने का प्रयास करो बाउंड्री रे जेल प्लान में ओछोन टिके बॉल धरवा टिके प्रयास करबे यदि बॉल गोला टिके निगा करबे कुछ नहीं जता रे जता रे टिके रे तू आई मना डी अंधार है लानो जा रे बॉल जीवा आपले टिके निगा करबे आ बॉल दे दे सांग सांग होजी हो जा गला फिर देखो तो एंटरटेनमेंट कंता करमो हमें पहली गेंद बिगिन ने बल्ला जोर से घुमाया था अंपायरिंग के कमांड संभालते हुए रामो आ गया और विकास दादा हमारे गांव का विकास दादा और रामो आ गया दर्शक खचाखच भरा है यहाँ पे सांसपुर क्रिकेट फील्ड में अगली गेंद और एक कमाल का शॉट और एक कमाल का फील्डिंग बहुत बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन फील्डरों के द्वारा अच्छा सा लगा था भिकी ने लेकिन सिर्फ एक रन अगला बल्लेबाज सोमनाथ लेग साइड में माहिर है सोमनाथ कमाल की बैटिंग क्या था सासपुर के अगेंस्ट में बहुत बढ़िया बैटिंग करके अपनी टीम को जिताया था प्रेशर मैच 25 गेंद में 55 मारे थे अरे नो बॉल फ्री हिट फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाएंगे सोमनाथ देखते हैं बॉल तो हो गए लेकिन यहाँ पे रन चुरा लिए फ्री हिट में आउट नहीं होता बल्लेबाज फ्री हिट में सिर्फ रन आउट होता है सिर्फ रन आउट हो पाता है फ्री हिट में ये बेसिक रूल है क्रिकेट का सबको पता होना चाहिए अगली गेंद बीके ने कमाल का यहां पे स्ट्रेट शॉट लगाया है और प्लेयर मिस फील्डिंग और चार रन कमाल का शॉट थोड़ी अच्छी फील्डिंग यहां पे होगी कुड़ापरा के प्रॉब्लम हो गया थोड़ा मतलब फील्डिंग का बैटिंग बॉलिंग अच्छा हो रहा है लेकिन थोड़ा फील्डिंग में उनको ध्यान देना पड़ेगा अगली गेंद भिकी स्ट्राइक पर और भिकी ने लगाया कमाल का शॉट सीधा गेंद जाते हुए ग्राउंड के बाहर खेत में पड़ता हुआ गेंद 100 मीटर का लंबा छक्का यहाँ पे भिकी की तरफ से बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं भिकी कल मैन ऑफ द मैच पाए थे टूर्नामेंट में चार ओवर का मैच यहाँ पे चल रहा है फाइनल और एक और कमाल का यहाँ पे फुल शॉट सत्रह रन हो चुका है 17 रन बहुत बड़ा यहाँ पे स्कोर कड़ा हो चुका है पहली गेंद बहुत बड़ा ओवर यहाँ पे साबित होता हुआ थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की जरूरत ज्यादा इस शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बॉलर रम आ गया नॉक चाकू अगली गेंद और ये सिंगल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे विकी की तरफ से और ये ओवर की समाप्ति पर 18 रन 1-2
जो सेकंड सेमीफाइनल था बहुत रोमांचक था, कह नहीं सकते थे कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक बहुत बढ़िया विन किए थे, एक को तो जाना पड़ेगा फाइनल में। ओके पूरा पूरा टीम, लेकिन पहले ओवर में 18 रन बना चुके हैं। दूसरी ओवर एक स्ट्राइक में, और ये बल्ले का थोड़ा किनारा लगा था, लेकिन यहाँ पे अच्छी फील्डिंग का यहाँ पे उम्मीद और नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कूड़ा पड़ा की टीम से, थोड़ी फील्डिंग के यहाँ पे अच्छी फील्डिंग की जरूरत। बाईस रन, दूसरी ओवर चलता हुआ यहाँ पे 22 रन बने हैं। फील्डर क्यों अगली गेंद, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एडजस्टमेंट करकर शॉर्ट गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया, और ये दूसरा रन की चाहते थे फिकी, लेकिन सोमनाथ ने मना किया। दोनों बहुत बड़े बड़े पावर हिटर हैं चकली की टीम का, दोनों मेन बैट्समैन। अगली गेंद, ओ कमाल का शॉट और सीधा स्टैंड में, बहुत 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 बढ़िया शॉट यहाँ पे, शॉट ऑफ द मैच 29, स्कोर 29। बहुत यहाँ पे कमाल का शॉट, टाइमिंग में भरसा करते हैं यहाँ पे सोमनाथ, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अगली गेंद, अभी भी वही शॉट लगाने के प्रयास में थे, लेकिन बहुत बड़ा ज्यादा बाउंस हो गया, इसलिए बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल, बहुत अरसे के बाद एक डॉट बॉल देखने को मिला, स्कोर 29। अगली गेंद, और एक गेंद रुकनी चाहिए थी, दोनों फील्डर कंफ्यूजन में थे कौन पकड़ेगा गेंद को, लेकिन पकड़ नहीं पाए दोनों फील्डर, फील्डिंग में थोड़े यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरा पूरा टीम को, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगली गेंद, और एक कमाल का बैकफुट में जाकर पुल कर दिया गेंद को, और एक और बार फील्डिंग नीचे, ये मैं पहले से ही सेमीफाइनल 2 से बोल रहा हूँ, थोड़ा फील्डिंग में यहाँ पे फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, उनको सुधार लाना पड़ेगा, फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा यहाँ पे कूड़ा पड़ा टीम को। बहुत रन लीक कर चुके हैं फील्डिंग में, रन हो चुका है 37-37। तीन दोसा, तीन कॉम 40। अगली गेंद, और ये चोर विकेट, एक और 17, और ये तीन नंबर में बल्लेबाज सागर, लेकिन बहुत बढ़िया बैटिंग किया विकी, विकी ने कमाल की पावर हिटिंग दिखाई अपनी अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया बैटिंग, उनका जो टीम का जो मेंबर है उनको तालियां देते हुए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, फैंस ने उनके साथ हाथ भी मिलाया। अगली गेंद, बल्लेबाजी ने बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं। ए भंजा, भंजा, आके बढ़ाने लगे मारो। 35 रन बन चुके हैं। अरे बोल, स्टंप फ्लाइंग डिलीवरी यहाँ पे गेंदबाज की तरफ से क्या सागरो, चार नंबर पे 17 नंबर जस्ट में बल्लेबाज जाते हुए। सत्रह नंबर जस्ट, यही मौका है यहाँ पे शॉट दिखाने के लिए उनको।
जो शॉट के लिए जाने जाते हैं नंबर चार में उनको। आपकी चर्चा बहुत है यहाँ पे सांसपुर में, बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं यहाँ, स्टैंड में जाती है सब गेंद, सांजोर पार हो जाता है हमारा। अगली गेंद बरसन तैयार और ये बल्ले का किनारा और चौका, बल्ले का किनारा लगते हुए स्ट्राइक रेट 400 के स्ट्राइक रेट में मुनकू बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद में एज लगकर विकेट के पीछे 4 रन हो गया। चकली बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा कर चुका है और यहाँ पे थोड़ा एग्जीक्यूशन कर लेफ्ट साइड की गेंद को लेग साइड में मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मिसफील्डिंग, 2 रन होना चाहिए था, 2 रन अभी। बहुत बड़े यहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं रामो सार और विकास दादा, रामो सार विकास सार जो अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बड़ा काम दे रहा है। यहाँ पे आईपीएल में बहुत बार रामो सार अंपायरिंग कर चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए अंपायरिंग करते हैं रामो सार, उनको जिता देते हैं। 42 2 कोर 2 अच्छे बल्लेबाजी के यहाँ पे प्रदर्शन सोमनाथ और मुनकू। आखिरी गेंद गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, कवर के ऊपर शॉट लगाते तो शायद शॉट जाता, लेकिन सामने नहीं बढ़ना चाहिए था, वहां से खेलते तो शॉट सिलेक्शन अच्छा होता। और यहाँ पे बैकफुट पे जाके अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर तक, और डायरेक्ट हिट और कमाल की यहाँ पे फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे कमाल की, फील्डिंग में लॉन्ग अप फेंक कर कमाल की यहाँ पे डायरेक्ट हिट और विकेट, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट हिट और बल्लेबाज आउट। अभी भी बहुत बल्लेबाज बाकी, चकली का स्कोर हुआ है 44-42 और ये कट सर लगाने के प्रयास में थे 42। अगली गेंद और ये कमाल का कट शॉट और बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए, 3 रन बचाए हैं और 1 रन के लिए भाग चुके हैं भागने और अपना विकेट गवाएंगे यहाँ पे। सोमनाथ अपनी स्ट्राइक लेने के लिए रन भागे थे और अच्छा किया। ये सुनील का यहाँ पे 2 रन आउट, अगली गेंद सामने चढ़कर बल्ला घुमाया हो, ये एक और बार मिस फील्डिंग, 4 रन बल्ले का किनारे लगता हुआ और विकेट के पीछे चौका। बोल्ड हो गए बल्लेबाज आखिरी गेंद पर, कुछ नहीं जाता भैया।